मेरे शोहर नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले हैं और 10 मिनट के बाद हमारे घर में पैगाम आ गया, दिलदार भाई को किसी ने छुरियां मार दी हैं। दर्दनाक वाकया हुआ है, दो खवातीन बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। पहले हमारा कस्बा इतना गरीब था, चंद दिनों में ऐसे बन गए कि जैसे सभी बाहर की करेंसी लेकर इधर आ गए। तो तुम्हें ये हसद था? तोबा तोबा तोबा। तुम्हारी बीवी कहाँ है? इसे मनाए खुद ना मर जाए। और मैंने शेर व शायरी नहीं मांगी, मैंने तुम्हारी बीवी का पूछा ना। इधर से भाग कर आया मेरी तरफ, एंजो करके मेरे आलू मुड़िया। फिर क्या किया तुमने? छुरी मार दी। मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो, तुमने दो लोगों को कत्ल कर दिया जी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे शौहर के कातिल चाहिए। माफी दीदी जी, माफी। ये तमाम लोग मस्जिद में बैठकर बात करना चाहते हैं। यही मस्जिद है, यही काबा है, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। यहाँ बैठकर मुदई बात करना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज है, हम भी वहीं बैठकर उनकी बात सुन लेते हैं। जो सच है, जो हक है, उस पर बात कर लेते हैं ताकि किसी को भी कोई शुबा ना रह जाए कि कहीं कोई बात गलत तो नहीं हो गई। बहुत अफसोस है जी मुझे। आपके क्या लगते थे वो भाई? और आपके? मेरे शौहर। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपके? मेरे शौहर। ये बच्ची। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बेशक बेशक, इस मासूम के लिए हम सब आपके साथ हैं। हम आपके इंसाफ के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आए। आप लोगों का घर भी करीब है यहाँ से, तो आप सब यहाँ इस वक्त बाहर क्यों आ गए, इस मस्जिद के बाहर क्यों आ गए? मस्जिद में बात करना, बाहर बात करना ज्यादा बेहतर नहीं है? चले, क्या कह रहे? मस्जिद के बाहर अंदर बात करनी, जो भी करनी है हमने बाहर। अल्लाह को हाजिर नजर या बाहर भी कर सकते हैं, बात तो अल्लाह का घर है। हम अल्लाह के घर से करेंगे और हम अंदर बैठ के करेंगे, अल्लाह के सामने बैठ के रोएंगे। चले, जैसे आप लोगों की मर्जी। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो मस्जिद में बैठकर बात करना चाहते हैं ताकि हक और सच की बात कर सकें, कहीं पे कुछ छूट ना हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि ये अल्लाह का घर है और आप लोगों का जो नुकसान है वो यकीनन उसकी भरपाई नहीं है, ना काबिले तलाफी है। लेकिन उस नुकसान को पूरा करते कोई झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि जहाँ बैठ के आप मुझे बयान दे रहे हैं ये इस जगह की पकड़ का अंदाज़ा नहीं है आपको। झूठ तो वैसे कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये ख़ास पाक जगह है, अल्लाह का घर है, हम सजदा रेज होते हैं यहाँ। तो आप लोगों की अपनी मंशा के मुताबिक, आप लोगों की अपनी इजाज़त से, आप लोगों की अपनी ज़बरदस्ती कहने पर मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ ये बात कर रही हूँ। आप बेवा हैं जी। मुझे इंतहाई अफसोस है आप लोगों के साथ जो कुछ भी था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो हुआ कैसे, ताकि हम जो दो दुनिया में नहीं रहे उनके इंसाफ की जंग लड़ सकें। मेरे शोहर नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, सिर्फ अभी 10 मिनट हुए और 10 मिनट के बाद हमारे घर में पैगाम आ गया कि दिलदार भाई को किसी ने छुरियां मार दी है। मेरे देवर भागते हुए गए हैं, मैं भी पीछे गई हूँ, मेरी देवरानी पीछे गई है। मेरी देवरानी तो मौका पर पहुंच गई, उसने देखा वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, मेरे शोहर को लोग उठा के ले गए हैं। जो पहला तनवीर भाई हैं उनको तो वहीं पर मौके पर ख़त्म हो गए। मेरे हस्बैंड आधा घंटा तक जिए हैं, लेकिन मोहल्लेदार में से भी कोई उनके पास नहीं आया, कोई इसी ने उनको उठा कर आगे नहीं किया, वो वहीं पर दम तोड़ गए। आप लोगों की कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरे हस्बैंड की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो नमाजी इंसान थे, जैसा आप बता रही हैं कि नमाज पढ़ने गए थे, तो ऐसा शख्स तो किसी से लड़ भी नहीं सकता। पांच वक्त के नमाजी थे। जिस शख्स ने कत्ल किया, ये क्यों आपके शोहर को कत्ल करना चाहता था? मुझे नहीं पता, मेरे शोहर ने कभी ऐसे मामलात बताए भी नहीं हमें। वो तो घर से नमाज पढ़ने के लिए, मेरी चार बेटियां एक बेटा, मेरी तीन बेटियां बड़ी हैं, बेटा छोटा है, 7 साल का बेटा है मेरा। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आप उन बच्चों की आप कफालत करके उन्हें पाल सकें। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे शोहर के कातिल चाहिए, मुझे मेरे शोहर के कातिल चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। कातिल तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसको सजा दिलवाना बाकी। मेरे बेटे को वो चांद हो गए। मेरा मियाँ बहुत तकड़ा इंसान था, अच्छा
लेकिन वो एक बंदे के हाथ आने वाला नहीं था। मैम उनके भाई थे, चार लोग थे तकरीबन। तो क्या वजह क्या है कि चारों मिलके कुंभा मिलके दो लोगों को कत्ल कर रहा है? कोई रंजिश? इनके शौहर के पास कोई नहीं आ रहा था बचाने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप ख्वातीन हैं, आपका दुख जायज है अपनी जगह, लेकिन आप लोग मौके पे तो नहीं थे ना? आप लोग कह रहे हैं वो चार पांच लोग थे या तीन चार लोग थे? सिर्फ मुझे ये बताइए कि वो चार लोग एक ही घर के मिलके क्यों झपटेंगे? कोई दुश्मनी थी, कोई लेन देन का तनाज़े था? कोई बात नहीं थी हमारी, तो कोई बात ही नहीं। मेरा भाई तो नमाज पढ़ने के लिए गया और इनका शौहर के साथ लड़ाई हो रही थी उसकी। लड़ाई किस बात पे? पता नहीं, वो हमें नहीं पता किसी बात। मेरा भाई चढ़ाने के लिए गया, हाँ जी, मेरा भाई चढ़ाने के लिए गया, उसको भी लपेट में ले लिया हम लोगों ने। आप तो बहुत कम उम्र महसूस होती हैं, आपकी शादी को कितनी देर हो गई थी? मेरी शादी को दूसरा साल लगा हुआ है, 1.5 साल हो गए मेरे शौहर के साथ। ये आपकी एक बेटी है? हाँ जी, 6 माह की है ये। जब उसको कोई कत्ल कर रहे वो ये भी कह रहे हैं मुझे छोड़ दो, मेरी छोटी सी बेटी है। उन्होंने ये भी दर्द कहा कि नहीं छोड़ा उसको। आपके शोहर का कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, किसी से भी नहीं था, वो तो बैठ जाते ही नहीं थे। वो तो उस दिन रोटी लेने मेरे लिए लेने गए थे, वापस रोटी लेकर नहीं आए। 8:15 गए, 8:30 पैगाम आ गया जी, तनवीर भाई को तो छुरियां मार दी हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। आपको क्या समझ आती है कि क्यों कत्ल किया आपके शोहर को? मुझे कुछ नहीं समझ, लेकिन चार लोग थे जिन्होंने कत्ल। कैसे कह सकते हैं जब आपको समझ कुछ नहीं आ रही, दुश्मनी आप लोगों की नहीं है? मैं चार के लिए, मुझे कोई वजह बताएं ना, मैं आप सबसे यही जानना चाह रही हूँ। आप बता दीजिए, कुछ जानती हैं तो बताइए, आप में से कोई कुछ जानते हैं? आप लोग चार चार कह रहे हैं, मैं फिर इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग देखिए मस्जिद में बैठे हैं, चार लोग किस वजह पे कह रहे हैं, कोई बुनियाद बताइए मुझे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग इलाके के लोग हैं, ऐसे ही है, वहीं के रहने वाले हैं आप लोग? तो मर्द यानी शाहिदीन, आप में से कोई था उस दिन? जी मैं। आप भी थे? आप भी थे? हाँ जी। आपसे शुरू करती हूँ तब फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बताइए। जो दिलदार था ना, वो मेरा बड़ा भाई था। अच्छा। कुछ दिन पहले उनकी और इस तनवीर भाई की ना उनके साथ झगड़ा हुआ है, गाली गलौच। अच्छा। हुई है। किस बात पे? वैसे दोस्त भी थे ना पहले। अच्छा। उसके तकरीबन 7-8 दिन बाद ये वाकया हुआ है। अच्छा। पहले गाली गलौच की है। किस बात पे गाली गलौच? कोई मतलब उनके घर की ख्वातीन का मामला था, कोई जमीन का मामला था, कोई लेन देन का, कोई कमेटी का, कोई मोटरसाइकिल लेने का, कोई मतलब कोई वजह तो होती है? अभी कोई वजह नहीं थी, भाई नमाज पढ़ के आ रहा, कह रहा था हमारे चौक में ना खड़ा हो। अच्छा। बस यही तनाजा हुआ है, तो उसके ये 7-8 दिन बाद ये काम हो गया। ठीक। और आप लोगों को लगता है कि उस गाली गलोच की वजह से ये सब लोगों ने मिलके? जी जी ऐसे ही। हाँ जी। आप मौके पे थे? जी। सच बताइएगा, मस्जिद में बैठे हैं, मेंबर के आगे बैठे हैं, झूठ नहीं बताइएगा। माइक देते हैं जी। ये आप लोगों की अपनी ख्वाहिश है यहाँ बैठ के बात करना, इसलिए सच बताइएगा। जी जिस दिन ये वाक्य हुआ है ना, ठीक है, उस दिन रात की बात है कि तनवीर भाई ना मेरे से ना तकरीबन 3 या 4 मिनट पहले गुजरे हैं मोहल्ले से। ठीक है। ठीक है। तो 3 या 4 मिनट बाद ना पता चल गया कि जी उसको ना किसी ने मार दिया। अच्छा। ठीक है। तो जैसे मैं वहाँ पे भागा हूँ ना, तो मैंने देखा है। क्या देखा है? कि 2-3 लड़के थे वो भाग रहे थे। ठीक है। एक तो पकड़ा हुआ है और दूसरों को मैंने नहीं देखा, भागते हुए जरूर देखा है। ठीक है। जो पकड़ा गया अधेड़ उम्र शख्स है, लड़का नहीं है, जो भी है, एक ये था और 2 और थे साथ में, काफी बिल्डर टाइप थे वो। और तनवीर भाई को मैंने उठाया, उल्टा गिरा हुआ था वो। आपने जैसे बताया वो लड़के भाग रहे थे। जी। जब ऐसा कोई वाक्या होता है तो भगदड़ तो मचती है ना, लोग डर जाते हैं, भागते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, जहाँ हो सकता है वो भगदड़ में भागे हो। नहीं नहीं, जो तनवीर के पास है ना, इन लोगों के पास है 2, वो उधर ही थे। कातिल भागा? जी कातिल भागा है। तो आस पास के लोगों ने कातिल को क्यों नहीं पकड़ा उस पर? पता नहीं, इस बात का नहीं मुझे पता। आप बताइए क्या वजह है, ये जो भगदड़ में लोग भागे, क्या वो कातिल ही थे तमाम? जी वो कातिल ही थे। और कहने का मकसद ये है, वो जो की बुनियाद पे कह रहे हैं जी, वो ना 100% कह रहा हूँ। और जो लोग हैं ना, जो गुंडे हैं, जो मेरे भाई के कातिल हैं, वो गुंडे हैं एक किस्म के। साफ के तकाजे में क्या चाहते हैं आप? खून चाहिए। खून चाहिए। ठीक है। आप लोगों की गवाही और इस मुकद्दस जगह पर बैठ कर ये सब बोलना, ये अब अल्लाह देख रहा है ऊपर। ठीक है। तो अल्लाह से बड़ा गवाह कोई नहीं होता, तो ये इंसाफ तो अल्लाह ने देना है ना, रास्ते वसीले तो उसी ने बनाए। हाँ जी बेशक। अल्लाह आप लोगों को सबर दे जी, जहाँ तक हम लड़ सके आप लोगों के लिए, हम आप लोगों की पुकार बन सके, हम बनेंगे। और
जो दुनिया से चले गए उन्हें वापस ला के नहीं दे सकते, लेकिन जो दुनिया में है उनके दुख का मदावा कर सकते हैं, जिस हद तक कर सकेंगे वो करेंगे। नाज़रीन, ये वो मुदई फैमिली थी, ये वो इलाके के लोग थे, ये वो तमाम रिश्तेदार अजीज़ो क़ारिब थे जो दुख में हैं, गम में हैं। मेरे साथ उन दोनों मकतूल जो दुनिया में नहीं रहे उनकी बेवा थी, एक की मासूम बच्ची भी थी जिसकी किलकारियाँ शायद अभी बाप ने पूरी तरह सुनी ना थी। अभी तो उसने बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखना था कि बाप मनो मट्टी तले जा सो। उस जालिम ने ये बर्बरियत क्यों ढाई और पुलिस इंटरोगेशन में चीजें क्या सामने आई हैं और असल में हकायक क्या हैं, आइए दिखाते हैं। इस केस में पुलिस फाइंडिंग जानने के लिए हमारे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एडी शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहीन साहब, ये बताइएगा कि मुदई और अहले इलाका बजिद हैं कि इस केस में ये एक मुलजिम नहीं मुतादिद हैं, एक से जायद हैं। आपने इंटरोगेट किया इस सारे मैटर को, क्या ये सच है या यही एक्यूज्ड है और लोग इसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जो FIR हुई है वो चार लोगों के खिलाफ हुई है। ठीक है। उसमें एक शफीक है मेन, जो उसके अलावा उसके भाइयों पर, और एक उसी मोहल्ले का एक है। अभी ये सारा प्रोसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मुल्ज़िम रिमांड पे है। मरकजी आपने रिमांड पे ले लिया? मरकजी रिमांड पे ले लिया। बेसिक रीज़न क्या? का कोई गली में बैठने का झगड़ा था कि ये वो जो कातिल कहता है कि ये मेरे पास से गुजरते थे तो मुझ पर फिक्रे कसते थे, इसने ये बात दिल में रखी। और दिलदार हुसैन के ख़िलाफ़ इसका जो कहता है कि मुझे उससे रंज था, दूसरा बीच में आया तो मैंने उस पर भी अटैक कर दिया। ये जो कातिल है ख़ुद भी अमली तौर पर तो ये मेरा ख्याल है कोई मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं है, इसके घर वालों पे भी FIRs हैं और सब कुछ है, तो क्या ये कोई और दरीना दुश्मनी या इनका आपसी और कोई मामला सामने, कोई अभी आपको ऐसी लीड मिली हो जिसको आप थॉरली इंटरोगेट कर रहे हो? हमारी एक जो तफ्तीश होती है, खुफिया भी होती है, एलानिया भी होती है, मल्लेदारों को हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। FIR में जो लोग नामजद हैं क्या उनको अरेस्ट किया और उनसे इंटरोगेट किया? बेल पे हैं जी, वो बेल पे, प्री अरेस्ट बेल पे हैं, प्री अरेस्ट बेल पे हैं। ठीक है, तो वो शामिल तफ्तीश हैं। इसमें इंशाल्लाह हम 200% श्योर कर देंगे कि मेरिट हो। बड़ा ही दर्दनाक वाकया हुआ है, दो खवातीन बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। अच्छा शाहीन साहब, ये बताइएगा कि इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या बनी और आप लोग जब मौके पे पहुंचे तो उस वक्त आपने क्या देखा कि दोनों की डेथ हो चुकी थी? जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो उस वक्त तनवीर हुसैन की मौके पे डेथ हो चुकी थी। अच्छा, उसकी डेड बॉडी उधर ही थी। कॉज ऑफ डेथ क्या बना? कॉज ऑफ डेथ जो है छुरियों के वार से वाइटल ऑर्गन्स पे लगे हैं। ठीक है, आप लोगों ने फिर मुलजम को कैसे पकड़ा? मुलजम वहाँ से फरार हो गया, यानी शाहिदीन ने उसको पकड़ा नहीं, और कुछ जो लोग नामजद किए गए जो प्री रेस्ट बेल पे हैं, लोगों से क्या पता चला कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है बीच में? लोगों ने आपको क्या बताया कि वाकई चार लोग थे, क्यों मारने आए थे, फिर मुलजम तक आप लोग कैसे पहुँचे? इनिशियली हमें पता चला कि जो शफीक है उसने छुरियों के वार करके जो है ना दोनों को मर्डर किया है, लेकिन चूंकि तफ्तीश की बातें इसमें जब आप सारा प्रोसेस इंटरोगेट करते हैं तो जो भी चीज़ें निकलती हैं हो सकता है वो डिफरेंट भी हों। आपने वहाँ लोगों से इंटरोगेट करना शुरू किया तो लोगों ने आपको बताया कि एक से ज्यादा लोग थे? जो जो मुदईयान है वो तो कहते हैं कि ये एक से ज्यादा लोग थे। नहीं, जो एनी शायद थे वहाँ पे, एनी शायद थे वहाँ पे, चूंकि थोड़ा अंधेरा था उस वक्त, इतना किसी ने गौर नहीं किया, इतना किसी ने गौर नहीं किया। मुल्ज़िम को कैसे अरेस्ट किया आप लोगों ने? मुल्ज़िम को अरेस्ट करना मैं कहता हूँ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी। ज़रूर बताइए ताकि लोग सुन सकें कि पुलिस काम करती है। क्योंकि ये मुल्ज़िम कोई आम मुल्ज़िम नहीं था, इस मुल्ज़िम के पास ना टेलीफोन यूज़ करता था, मोबाइल यूज़ करता था, ना इसका कोई आईडी कार्ड वगैरह बना है, और ना कोई इस इंटरलिंक था, ना इसका कोई घर के अलावा किसी ठिकाने का पता नहीं था। और एक हमारे पास और भी मसला था कि इसके हमारे पास कोई फ़ोटो नहीं थी, कोई फ्रेश फ़ोटो नहीं थी, कोई इसका स्केच नहीं था हमारे पास। तो हमने जो कोशिश की कि इसको जो है ना घर से भी कोई फोटो या इसकी नहीं मिली, एक फ़ोटो मिली पुरानी, वो तकरीबन थी उसकी शादी की, बहुत पुरानी, हाँ उसमें वो यंग था, अभी इसकी तकरीबन अबव 45 है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब मैं अपने पूरे थाने की टीम को, कि इसमें मुहर्रर तक वो सारे निकले इसके अरेस्ट के लिए। हमने तमाम रात इसको ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला। मल्लेदारों ने हमारे साथ बड़ा सपोर्ट किया, मल्ले का एक एक बंदा जो हमारी टीम के साथ अटैच था, जो इसको पहचानता था उसको देखता था, तो उन्होंने जाग के हमारे साथ ड्यूटी की जस्ट लाइक पुलिसमैन। रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद लारी अड्डे पे, टैक्सी स्टैंडों पे, जहाँ भी ये हो सकता था कि यहाँ से फरार होने की कोशिश करेगा। फिर हमारे दिन में एक और भी था कि ये कहीं खुदकुशी ना कर ले, हो सकता है ना आप एक बड़ा बहुत बड़ा जुर्म करने के बाद गिल्टी फील कर रहे हैं, हाँ तो
तो वो था रेलवे लाइन पे जो है ना आके खुदकुशी ना कर ले। आप लोगों की जो ये सारी खोज थी ये कहाँ जाके ख़त्म हुई सर? खोज हमारी अल्लाह ताला ने मदद की, तो ये इसने किसी से रब्ता किया, वो इमदादी पुलिस था, उसने हमारा फिर हमें एड्रेस बतलाया फलां बंदा फलां जगह पे है, तो फिर हमने पूरी टीम के साथ जब आप लोग पहुंचे तो ये भागा नहीं? उस वक्त तो बैठा ये चाय पी रहा था, जब हम मतलब दो लोगों को कत्ल करके सुकून से बैठ के ये चाय पी रहा था। चाय पी और पब्लिक प्लेस पे पब्लिक ही थी क्योंकि इसको पहचानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ये मर्डर करता है। और इसे ये भी नहीं पता था मुझे पुलिस पकड़ने आ गई है? पता था इसे, लेकिन सुकून से बैठा था। सुकून से बैठा था। बहुत शुक्रिया आपका शहीन साहब, आपने डिटेल्स शेयर की। और एक बड़ी हैरान कन बात यह कि डबल मर्डर करने के बाद एक शख्स जिसे पुलिस पकड़ने पहुंच गई है और वो सुकून से चाय के घूंट पी रहा है, वो जहनी तौर पर मुतमइन क्यों था? क्या उसके पीछे कोई बड़ी सियासी सपोर्ट थी, या उसे यकीन था कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, या दुश्मनी में वो इस नहज पर चला गया था नफ़रत की कि उसको ये था कि बस देखी जाएगी? क्या हकायक थे, आइए दिखाते हैं। नाज़रीन मेरे साथ वो मुलज़िम मौजूद है जिसने बेदर्दी से दो लोगों को कत्ल कर दिया। अब ये हमें क्या सुनाता है कि कत्ल की असल वजह क्या थी, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, पहले इससे सुन लेते हैं फिर सच आपके सामने रखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक क्या करते हो? पहले मैं रेडी लांदा होता था जी। अच्छा, फिर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया? नहीं जी। अच्छा, फिर मैं बाबा साहब गया। अच्छा, कौन से? पाक पतन शरीफ। अच्छा, फिर? फिर वहाँ से एक आवाज़ आई, अजान हो रही थी कि दर नबी का कलमा है। फिर चंद रोज़ गुजरे, महरम आ गए, मैं फिर उधर गया, उसे मैं खजूरा खा रहा, तो कुछ दरवेज फिर रहे, मैं उन्होंने भी वंडन लग पाया। मुझे देख के बताओ। एक बाबा बैठा हुआ, एक खोखे थे, चाय आले थे, मैं क्या सियाणा बंदा वे मशवरा कर लवा कि गल गलत तो नहीं जी, मैं क्या एक चाय देना जी, मैं क्या एक चाय बाबा जी ने भी दे दियो। बाबा जी ने भी चाय पीती, मैं भी चाय पीती। मैं क्या बाबा जी इस तरह मैनू आवाज़ आई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद दर रसूलल्लाह, मुसलमानों का अजान और कलमा जुदा नहीं है, जो खुदा ना सभी नबियों का दर है ना वो पाक खुदा है और कोई नहीं है, मैंने ये कस्बा उनको बतला दिया। वो मैं बाबे नू कह के एक गल अपने घर नू आ गया। मुझे देख के बताओ ना सारा कुछ जी। तो थोड़े दिन गुजरे ते मैं एक नहर के किनारे ते बैठा बूटी पी रहा, ते वो बाबा साइकिल लेके मेरे कोल खड़ा होया। अच्छा, फिर? बाबे के पीछे पीछे मैं चल पड़ा, अगे बाबा जाके है ना, फिर मैंने जब देखा कि ये तो वही बाबा है जो पाक पतन मुझे मिला था, फिर मैंने फिर उसको चाय पिलाई, फिर वो मुझे नजर नहीं आया, वो चला गया। फिर क्या हुआ? बाबा जी ने क्या कहा था, कत्ल कर दो? ये बहुत पुरानी बात है, मैं अभी की बात पूछ रही हूँ भाई, मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो, तुमने दो लोगों को कत्ल कर दिया जी। कत्ल तुमने अभी किए है ना जी, दो लोग मार दिए जी, क्यों? बस इसी दरवाजे के वजह के। क्या पूरी कहानी सुनाओ, क्या हुआ था? तुम्हारे घर में कौन कौन है, बीवी बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, बीवी नहीं। बीवी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं आज तक ला पता है, ला पता है, छोड़ के चली गई तुम्हें, मोहब्बत की शादी थी तुम्हारी जी। अच्छा, फिर करते क्या? रिज़क ही कमाना जी। वसीला क्या है? जिथे रिज़क दिहाड़ी दुहाड़ी लभ जानी और रिज़क कमाना। अच्छा, जहाँ रहते थे वहाँ पे इन दो लोगों को कत्ल तुमने अपने मोहल्ले में किया है जी, क्या वजह थी? बख्शी चाहिए बच्चों के। वजह क्या थी, हुआ क्या था, तुम्हें गुस्सा क्यों आया हुआ था? लोगों को ये जरूर कहता रहता था अल्लाह के बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बच्चों के बनो, हैं किसी से मत झगड़ो, बस इसी वजह थी। इन लोगों से लड़ाई क्यों हुई थी? एक दिन पहले इन्होंने मैं रोकिया सी उठ खलोन, तो एक सिर्फ एक दिन में बात दोबारा मना कर लेते, काफी समझदार मालूम होते हो मुझे, लगते तो मुझे समझदार हो, चीजों को समझने वाले लगते हो जी, इज्जत गैरत को समझने वाले लगते हो जी। तो क्या मामला क्या हो गया था? कुछ समझ नहीं लगी दिमाग को क्या हो गया, क्यों
वो दो लोग तुम्हारे लिए इंसान नहीं थे? दो तीन दफा पहले भी इनके साथ बोल बुलारा हुआ था। एक शख्स दे वालद ना कदी लड़ाई हुई सी, उन्हें मेरे भरा नु मारया सी, उन्हें मैं कुटया सी। एक कौन सा शख्स? नदीम नाम का है जो एक कत्ल किए इन दोनों में से किसी एक के वालद के साथ। जी वो नदीम ओदा वालद है जेड़ा एक कत्ल होया। फिर तुम्हें वो गुस्सा था? नहीं मुझे ये भी गुस्सा नहीं। फिर गुस्सा किस बात का था? बस थोड़े दिन पहले बुए के खलोता फोन कानू लाया तो गाला कटी जावे। किसको? पता नहीं किसको निकाल रहा था, मेरे पास इतनी देर खड़ा रहा, ऊंची ऊंची गाली निकाली जाए, गालियां दे रहा था फोन पे। फिर? फिर मैं इग्नोर कर गया, फिर वो मैं दारी नू रोकया के इत्थे ना खलो। हाँ, दारी कौन था? वो दूसरा आदमी जिहड़ा कतल होया। अच्छा, फिर? बस इसे गीबत च मैं उन्हां नाल झगड़ गया। हैं? इसे गीबत च उन्हां नाल झगड़े। उसी दिन झगड़े हो जिस दिन कतल किए? नहीं नहीं, उससे पहले। उससे पहले झगड़े हो? हाँ झगड़िया। तुम्हें उन्हें बुरा क्या क्या लगता था? कस्बे च खलोना। वैसे कस्बा मतलब गांव? गली दे विच खलोना खलाना नांगाटा, पिछली गली च रहंदे उन्हां दा हक ही नहीं बनदा। हां ते इस वजह तों तुम्हें सिर्फ इस बात पे गुस्सा रहता था। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसकी तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल में इसे गुस्सा किस बात का आता था और इसने क्यों ये बर्बरियत ढाली। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वो मुल्ज़िम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उसे किस बात का गुस्सा था कि उसने दो लोगों को कत्ल कर दिया। शफीक, तो मुझे कुछ बता रहे थे ऑफ कैमरा कि वो क्या करते थे तो तुम्हें गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता था कि यदि ये सभी लोग है ना जो बिके हुए हैं दुनिया में, अच्छा मुझे गीबत बनाकर मारा जा रहा है। अच्छा, पहले हमारा कस्बा इतना गरीब था, चंद दिनों में ऐसे बन गए कि जैसे सभी बाहर की करेंसी लेकर इधर आ गए। पहले क्या था? गरीब थे सभी लोग। अच्छा, अब ऐसे किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास मोबाइल है। तो तुम्हें ये हसद था? हसरत नहीं, हसद था तुम्हें उनसे? नहीं, कि वो अमीर हो गया तुम गरीब रह गए हो। तौबा, ये बात तो मैं तब भी ना सोचूं जो खुदा मुझे माफ करे। तो फिर क्या मसला क्या था तुम्हारा? तुमने दो लोगों को बेदर्दी से छुरा मार के कत्ल कर दिया, उनके मासूम बच्चे थे घर में, उनकी एक की शादी 2 साल पहले हुई है, उसकी 6 महीने की बच्ची है। तुम्हें क्या तकलीफ थी कि तुमने उन दो को कत्ल कर दिया? तुम्हें उनसे जलसी थी या तुम्हें लगता था तुम्हारी बीवी को उन्होंने भगाया है? बस वो गाली तू ते वो कस्बे ते खुलवान। कस्बा क्या होता है? कस्बा कस्बा तो सबका गांव है। गली चे खुलवान। तुमने गली में खड़े होते, तुमने निकलते गली में बाहर, तुम्हारे भाई नहीं निकलते, वो नहीं किसी के पास खड़े होते वहां पे। माफी चाहूंगा। नहीं, माफी किस बात की? कब से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कोई बात है तो बताओ, कोई बात है तो बताओ, तुम ड्रामेबाजी किए जा रहे हो आगे से मेरे साथ। दरवाजे दे के खलोन तू वजह जी हो इस तरह के। ये क्या करते थे? मैं कुछ दिमागी टॉर्चर किसी ने ना तंग करना दिमागी। तुम्हें टॉर्चर करते थे? जदू मैं उत्थे नहीं सी हुंदा ना खलोता, उदू कोई नहीं सी हुंदा। जदू मैं उत्थे आके खलो जांदा यकदम सर पता नहीं सी लगदा कि 15-20 कित्थों आके खड़े हो जांदे हुंदे। अच्छा, कोई इधरों कोई इधरों कोई इधरों कोई इधरों। फिर ओदी वजह नाल ना दिमागी प्लाज हो जांदा सी कि ए क्यों लोग इस तरह करदे, मैं तो इस तरह नहीं करदा, इस तरह दे क्यों लोग बन रहे ने। अच्छा, बस इस वजह तुम उन्हां नाल झगड़े तो। उस दिन तुम ताज़ा झगड़े थे उनके साथ? हाँ, बस झगड़ा ओही है जदों मैं उन्हां नाल झगड़ पिया। उसी वक्त झगड़े में तुमने मारा उनको? बस। तो तुमने छुरी कहाँ से ली थी? छुरी मैंने लभी सी जी। कहाँ से? आकल मरमूदिया अस्पताल नहीं जड़ा, हाँ ये सामने। वहाँ पे किसने दी थी तुम्हें? एक फर्नीचर टुटा गया पिया होया सी ते मैं उठूं नंगिया ते इस तरह ऐ रस्ते तू इस तरह पई हुई छुरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उठा के ले आए? और मैं घर ले गया। घर ले गए? फिर उसके कितने दिन बाद तुमने कत्ल किया? 5-6 दिन छुरी मेरे को रही। 6 दिन तुम सोचते रहे क्या करना है? नहीं, वो तो मेरा तो मसला ही नहीं सी कि इहदे नाल ऐ मसला बनेगा, मैनूं तो पता ही नहीं सी इस गल दा। तुम्हारी बीवी कहाँ है? इसे मनाए खुद ना मर जाए। मैं तो आज ये कह दूंगा करोड़ों जहां बनाए हमें ना बनाए। मोहब्बत की शादी थी ना? खुदा के बन कर आए हैं इस दुनिया में, भूल बैठे हैं खुद को, मनाने चले हैं नबी को। जब पता चला कि दुनिया तो खुद की है, किसे सुनाए दुख, भूल जाएं हम खुदा और अपने नबी को।
और मैंने शेर व शायरी नहीं मांगी, मैंने तुम्हारी बीवी का पूछा है ना जी, उसके बारे में बताओ। पता नहीं, आज ताई खबर नहीं, मेरे बच्चे रोल गए इस दुनिया में। वो तो जाहिर है तुम कातिल हो तो रोल ही गए हैं ना। कातिल तो हूँ मैं बनया जी, 11 साल तो कहानी चल रही है। तुम 11 साल से कत्ल करते आ रहे हो? नहीं जी, वो दूर हुई इतनी अरसे तुम। अच्छा, तुम्हें बीवी याद आ गई है? तो तुम्हारे ऐसे काम होंगे, करतूत होंगे तो तुम्हें छोड़ के चली गई। अच्छे वाले बंदे को कौन छोड़ के जाता है? नहीं जी, उस वक्त तो मैं रिजक कमाता था। तो रिजक तो तुम आज भी कमा रहे हो, कोई ना कोई तुम जहालत करते थे तो वो चली गई ना, कोई ना कोई तुम में बुरी चीज है तो वो चली गई ना। पर जो बच्चे नू, लेकिन तुम्हारी बीवी इन्होंने भगाई थी जिनको कत्ल कर दिया, तो इनको कत्ल क्यों किया? ऐसे वजह तो दरवाजे तुम बस दरवाजे के आगे खड़े हो गए। इसका मतलब तुम्हारी बीवी भी तशद्दुद से तंग आके तुमसे भागी है। तुम जैसे शख्स को ना अपने बच्चों का ख्याल था, ना उन दो लोगों के बच्चों का ख्याल था जिसके मासूम बच्चे थे, और तुमने बुरी तरह उनको छुरियां मार के कत्ल कर दिया। फिर क्या किया तुमने उस दिन? जिस दिन कत्ल किया उस दिन छुरी कहाँ रखी हुई थी? घर में। घर से कैसे लेके गए? गुस्से। बाहर लड़ाई हुई थी, फिर गुस्सा अचानक आ गया। मैंने वो आदमी को देखा ना, तो दो आदमी अचानक मेरी तरफ आए थे, ऐसे कर रहे थे। मैं कह भी अगे भी एक दिन रोक गया थे, फिर हूँ वो ही मसला। वैसे इस मसले तू फिर तुम घर आए? हाँ जी। फिर क्या किया? छुरी उठाई, उसके पीछे भागने लगा। जब मैं भागने लगा, वो पहले वो दो आदमी और थे, जब मैंने देखा तो ये आदमी जो तनवीर था इधर से भाग कर आया मेरी तरफ, फौरन मेरे अगे अगे आंजन तुरिया जा रहे थे, इंज करके मेरे अल नू मुड़िया, फिर मैं उन्हें फड़ लिया। फिर क्या किया तुमने? छुरी मार दी। तुमने नहीं देखा कहाँ लग रही है दोनों को? नहीं, एक आदमी उधर मारी, एक आदमी वहां। हमाम में क्या करने गए थे, उसका क्या कसूर था? लड़न मोदे नाल ही आया था हमाम वाले के साथ, इसको पहले मार दी फिर हमाम में भागे, वो उठ के भागा नहीं तुम्हारे आगे से, उसको कहाँ मारी? वो गल पे आने लगा मेरे तो मोदे मार। फिर छुरी लेके भागे तुम? छुरी लेके मैं कार आ गया। तुम्हारे पीछे लोग नहीं भागे? फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं अपने बच्चे नू उठ लिया मदरसे चू, उस तरह उन्होंने घर छड़ के, उस तरह छुरी मेरे हाथ च फड़ी, खून वाली छुरी। हाँ, उस तरह बच्चे ने कहा नहीं पापा ये क्या है? फिर घबरा गए बच्चे। फिर उस तरह मैं इधर नू आ गया, मुड़ के मैं पेश हो गया। इतनी आसानी से तू नहीं पेश हुए, तुम पूरी रात गायब रहे हो। इस तरह फिरता रहा, उथे सुता रहा, उथे कब्रस्तान दे लागे, उथों उठा तो जिथे मैं रिजक कमांदा सी उस तबेले च, उथे सुबह सुबह जाके गोया गाया इकट्ठा किया उन्हां दा। फिर उन्होंने को पैसे लाए, पैसे ले के उन्होंने को फिर मैं आ गया। जब तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो तुम मुतमईन होके चाय पी रहे थे बैठ के जी, और तुम्हें शर्मिंदगी नहीं थी, तुम्हें एहसास नहीं था कि दो लोग तुम कत्ल करके आए हो, और तुमने पहला स्टेटमेंट ये दिया कि जानवर को वहां पर वो लोग धुतकार रहे थे, मैं रोटी डाल रहा था किसी कुत्ते को। तुमने वहां पर ये पहला स्टेटमेंट दिया कि मैं कुत्ते को रोटी डाल रहा था, उन्होंने मुझे मना किया तो मैंने इसलिए मार दिया। कितने बयान बदलोगे तुम? जानवर वाली क्या कहानी थी? बस यही कि उथे औरतें नंग रही थी, दाढ़ी पलवान खड़ा सी, मैं उन्होंने कहा कि बाचे तू औरतें ने नंगना अगे नाराज हैगा, तू मेरी गल नु गनोर, मैनू वो भी गुस्सा। नहीं, ये कुत्ते वाली कौन सी कहानी थी, वो दूध डालने वाली, रोटी डालने वाली जो तुमने पहले घड़ी थी, वो क्या बात थी? डेली लोग उथों के नंगण आए, ये नहीं सी देखते दे, कोई उदे तीन बच्चे मार दिते गए, ए जहालत दी वजह तो लोग। किसने किसके बच्चे मार दिए? कुत्ती के। किसने मारे? लोगों ने। ऐसे ही बे ओ एना एक गली इधरों आंदी, सिर्फ छोटा जा वो है, वो एक ही गली है, तो डेली नंगल टप्पण वाले वो नहीं देख रहे थे कि है वो बच्चे कभी चुक के ऐन सुट दिता, मैंने वढ़ती होंगी कभी चुक के मैं ऐन मैं बच जान, जो माड़े जे वे हो जाएंगे चुक के पर सोटा वागा इन्हों। फिर तो वो भी इन्होंने मारे थे? नहीं, ये नहीं मुझे पता। तो फिर तुमने इनको क्यों मार दिया, और ये कहानी क्यों बनाई आके? फिर तुम्हारे बच्चे हैं ना, है ना, उन्हें कोई कत्ल कर दे तुम पे क्या बीतेगी? सोचो आज उस बाप पे क्या गुजर रही है जिसके दो बेटे तुमने मार दिए, क्या गुजर रही है उन खानदानों पे, उन वालिद, मैं उनसे नजर नहीं मिला सकी दोनों के बाप से,
जिनके जवान बेटे जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई है। अपने बच्चों का दुख है ना, आज तुम्हें कुछ हो जाए तुम्हारे बच्चे रुलेंगे ना। तुम्हारे भाइयों पे भी पर्चे हैं? नहीं, वो ना दादा कसूर ही कोई नहीं। अच्छा, तुमने अकेले ने किया जी? मुदई तो कहते हैं कि तुम्हारे भाइयों ने साथ मिलकर मारा है। नहीं बीबी जी। क्यों, वो क्यों कहते हैं फिर? पता नहीं बीबी जी क्यों कही जा रहे, मैं तन्हा था, मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम तन्हा इस फिजिक में 2 लोगों को मार रहे हो पूरी दुनिया के सामने, कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? नाज़रीन, ये जो शख्स मेरे सामने सब मौजूद है, ये इंतहाई ड्रामेबाज है। इसे हर चीज की सेंस है, इसे हर चीज का पता है, इसे ये भी पता है कि ये कैमराज हैं और ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये ऑफ कैमरा मुझे कुछ बता रहा था, ऑन कैमरा इसने जिस तरह का बिहेव करके अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश की है। SHO साहब भी बता चुके हैं कि साउंड माइंड है ये। इसने 2 लोगों का कत्ल बेदर्दी से अपने होशो हवास में किया। इसको सिर्फ तकलीफ ये थी कि मैं बाहर निकलता हूँ और किसी वक्त हंसी मजाक में शायद कोई इसके साथ जुगतबाजी हो जाती थी। ये कहानी बना रहा है, ये वाकई तकलीफ थी, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम हतमी राय नहीं दे सकते। इसे उनसे अपनी बीवी के भाग जाने की तकलीफ थी, या उनको देख के, जैसे इसने पहले मुझे प्रोग्राम में बताया स्टार्ट में कि उनके पास पैसा गाड़ी चीज़ें आ गई थी, शायद इसे जेलसी होती थी। इसको ये था कि ये कहाँ से आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हुए हुए थे। और इसने, मुझे जो समझ आती है वो जेलसी फैक्टर ज़्यादा समझ आता है। इसने बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर दिया, जिनमें एक शख्स अभी 2 साल पहले दुल्हा बना था और दूसरा शख्स उसके मासूम छोटे बच्चे जिनमें 4 बेटियां शामिल हैं। इसने उनके घर के साहिबा छीन ली। मैं अदालत से अपील करूंगी कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे सजाए मौत दी जाए। माफी दीदी जी, माफी, ताकि इबरत का निशान बन सके। इसके साथ ही मुझे लीला जका को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।